इतने दूर से ये कौन सी भाषा हम कर ले थोड़ी वेरी गुड नाम का टैटू छोरा हरियाणे का छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग दोपहर के बज गए हैं एक और हम लोग सब आज लेट उठे हैं क्योंकि सुबह मैं उठ गई थी 8 बजे चीकू को नहलाया धुलाया उसको पूरा लंच पैक किया फिर उसे स्कूल भेजा स्कूल भेजने के बाद मैं फोन चलाती रही 1 घंटा उसके बाद मैं सोई और सो के जस्ट अब भी उठी हूँ और अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है पहले ब्रेकफास्ट करूंगी उसके बाद देखूंगी क्या करने वाली हूँ तो घर की जो सफाई है वो चल रही है घर की पूरी सेटिंग हो चुकी है और गोलू तो सुबह उठ गई थी क्योंकि मैं पहले उठी थी गोलू बाद में उठी थी तो गोलू ने उठ के पूजा वूजा कर दी है तो चिपकन का जो फूड है वो भी यहाँ पे रख दिया और चिपकन ऐसे मुझे देख रहे से बहुत ही गुस्से में है और इसका जब मन करता है तब ये फूड खाता है नितिन भैया भी गए हैं चीकू को लेने के लिए बस चीकू भी आने वाला होगा स्कूल से और आते ही चीकू को स्केट्स लेकर देने क्योंकि चीकू कल कहा था कि स्केट्स ले लियो बट कल रात को भैया गए थे तो काफी लेट हो गया था सारी की सारी जो शॉप्स है बंद हो गई थी तो आज चीकू स्केट्स लेकर आएगा अपने लिए मैंने शांति से अभी पूछा कि शांति तू ये वाला हेयर स्टाइल कर देगी देखो ये वाला तो शांति ने कहा हाँ नीचे से तो कर दूंगी नीचे तो गुत्ते है वो तो मैं भी कर लूंगी तो गोलू का रोज कोई ना कोई पार्सल जरूर आता है आज आया है इसका ये पार्सल जिसमें इसने मंगाए है रबड़ बैंड इतनी दूर से मतलब कोरियर वाले को भी परेशान कर रही है तू बेचारे को वो तेरा ये रबड़ बैंड देने आया है इतनी दूर बता शर्म कर ले थोड़ी शर्म कर ले अच्छे रबड़ बैंड मार्केट जाके भी मिल जाती है तो मैं भूल जाती हूँ जाना तो चीकू स्कूल से आ गया और स्कूल से आते ही चीकू ने भी कपड़े चेंज करे ये कौन सी भाषा है बेटा आज आप स्कूल में फ्रेंड सीख रहे हो क्या सीख रहे हो हाँ बोंजोर अच्छा कल चीकू बैसाखी है तो क्या पहनोगे पायल इसको तो फिर येलो लंच भी लेके जाना पड़ेगा कुछ येलो क्योंकि बैसाखी वाले दिन येलो होता है ना तो हाँ पायल येलो लंच का मतलब इसको राइस लेके जाने हैं पीले वाले है ना चीकू राइस पसंद है ना आपको पायल ये देख ट्यूजडे चीकू ने लिखा है इसमें ऊपर अच्छा है ना ट्यूसडे लिखा इसने चीकू विच डे इज टुडे ट्यूसडे वेरी गुड तो मैं और गोलू रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं एक सरप्राइज के लिए जो सरप्राइज मैं देने वाली हूँ अरमान जी को और वो सरप्राइज क्या होगा वो मैं भी नहीं बताऊंगी वहाँ पहुँच कर आपको बताऊंगी कि क्या सरप्राइज है और साथ ही साथ जो मेरे नेल एक्सटेंशन खराब हो चुके हैं वो रिमूव करवा के आ रही हूँ ताकि मुझे बाद में पेन ना हो तो हमारी जो ये लिफ्ट है ना ये हमेशा खराब रहती है अभी अभी ये ठीक हुई है तो हम लोग निकल चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं हम लोग बताएंगे पहुंचने के बाद चलिए हमारे साथ कल है चीकू के स्कूल में प्रोग्राम बैसाखी का कल है कि परसों है कल है पायल और उसे लेके जाना है वैसे तो 14th को होता है बट स्कूल में कल सेलिब्रेट कर रहे हैं ना अच्छा तो कल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको पहन के जाना है पंजाबी अटायर उसके पास कुर्ता पजामा तो है 2 कलर के 3 कलर के और पर मैं सोच रही इस बार कुछ स्पेशल टच दिया जाए उसके साथ हम उसे बांधने वाले हैं पग और पग में कलर मैं डिसाइड कर रही हूँ ब्लैक और येलो येलो कुर्ता पजामा तो मैंने सोचा तो येलो नहीं जाएगा हाँ तो ब्लैक जाएगा तो मैं आई हूँ टैटो कराने और मैंने फॉन्ट जो है वो अपना सिलेक्ट कर लिया है तो जैसे ही फॉन्ट निकलता है हाँ प्रिंट निकलता है वैसे मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं क्या टैटू करा रही हूँ तो पायल के ऑलरेडी बहुत सारे टैटूज है बहुत सारे आप देख सकते हो एक है इधर फर्स्ट टैटू सेकंड टैटू थर्ड टैटू फोर्थ टैटू एक पैर पे है सेकंड दिख नहीं रहा पैर पे और एक है पायल की बैक पे तो इतने टैटूज के बाद भी पायल एक और टैटू करा रही है बट ये जो टैटू है कुछ ज्यादा ही स्पेशल है तो फाइनली पायल करवा रही है इनके नाम का टैटू सीरियसली इनको 1% भी आइडिया नहीं है इस बारे में कि पायल टैटू काफी टाइम से प्लानिंग चल रही थी हमारी कि पायल टैटू करवाएगी टाइम ही नहीं लग पाया बट आज सोचा पायल ने कि चीकू के पापा देहरादून में है तो वो आएंगे तो उनको मिलने वाला जबरदस्त सा सरप्राइज तो मेरा फॉन्ट ये है जो मैंने चूज किया है चलो स्टार्ट करते हैं तो ये भी नहीं बोल सकती मैं पायल को डर तो नहीं लग रहा ऑलरेडी टैटूज करवा चुकी है तो जो पहली बार कराते हैं उसको लगता है बहुत डर वो पूछता है बार बार कितना दर्द होगा कितना दर्द होगा पक्का कुछ होगा तो नहीं तो पायल जो टैटू जहाँ पे करवा रही है वो जगह है ये वाली तो यहाँ पे हो गया फाइनल शादी भी नहीं हुई थी तब मैंने टैटू करवा लिया था ये तब मैं इसके साथ गई थी ये टैटू कराने हाँ तो उस टाइम मैंने भी इनको सरप्राइज दिया था एक्चुअली हुआ क्या था उस टाइम पे ना मेरी इनकी किसी बात पे लड़ाई हो गई थी तो फिर पायल को मैंने बताया मैंने कैसे ऐसे लड़ाई पायल कहती काम करते टैटू बनवाते हैं तो फिर पायल का आइडिया था तो टैटू करवाया तो इस टैटू को काफी टाइम हो गया तो पायल भी सेम टैटू करवा रही है सेम जगह पर हाथ डिफरेंट है क्या हुआ पायल इसमें शेडिंग भी करनी पड़ रही है ना तेरे में शेडिंग नहीं थी ना दिखा नहीं मेरे में भी शेडिंग थी
मेरा भी मेरा तेरे से मतलब जितना तेरा है ना उतना ही मेरा वो है मोटा फॉन्ट है। तो ऑलमोस्ट क्या सारा का सारा टैटू हो गया, सिर्फ जो मेन वर्ड है स्टार्टिंग का एस पूरा रह गया। तो अभी पायल कॉल कर रही है चीकू के पापा को। हेलो, आपके लिए एक सरप्राइज था, मेरी इंस्टाग्राम पे देखो, आप तो देखते ही नहीं हो। देखो फोन स्पीकर पे है प्लस होल्ड पर है, तो देखते हैं इनके रिएक्शन क्या रहेंगे। कैसा लगा, कैसा लगा सरप्राइज? आप आ रहे हो कि रास्ते में हो? चलो चलो चलो, मैं तो सोची थी, मैं वेट नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैंने फिर खुद ही कॉल कर दिया। तो टैटू का जो काम है वो हो गया है, तो मैं और पायल अभी जा रहे हैं घर पर, बस घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और चीकू के पापा का फोन आया था, उनको बहुत ही अच्छा लगा सरप्राइज, वो भी ऑन द वे है, बस घर पहुंचने वाले हैं एक आधे घंटे में। तो हम लोग लेकर आए हैं अभी जस्ट ढोकला, काफी टाइम से मेरा ढोकला खाने का मन था, और पायल ने ढोकला घर में बनाया, हम उन्हें ढोकले से नफरत होगी, ढोकले से नफरत होगी थी, ढाकला करी, बाहर का ढोकला खा सकते हैं। तो आज हम ढोकला खाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, बट ये ढोकला बिल्कुल ठीक है। वैसे पायल का भी ढोकला ठीक था, वो ढोकला कम बर्फी ज्यादा बना था, चाशनी भी कम थी, ढोकला कम बर्फी ज्यादा था, किसी ने खाया नहीं, वो फेंकना पड़ा। बस घर पहुंच गए हैं, चाय हमने ऑलरेडी बोल दिया था, शांति को बोल दिया कि चाय बना के रेडी रखे, हम लोग आ रहे हैं। तो मैं और पायल घर पर आ गए थे, घर पे आने के बाद हम लोगों ने चाय पी और चाय के साथ हमने ढोकला खाया। और अभी पायल चीकू को सुला रही, क्योंकि चीकू सुबह से उठा हुआ है, स्कूल गया था मॉर्निंग में जल्दी उठकर, और वो सोया नहीं था, एक दो घंटे अगर सो जाएगा तो उसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो पायल भी लेट गई है, साथ में चीकू भी सो रहा है, तो मैं काम करती हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ ताकि चीकू उठे ना। तो आज बनी है खाने में नमकीन सेवियां, और साथ में बनी है आलू की सब्जी, मैं दिखाती हूँ, और साथ में बनी है आलू की सब्जी, ये है हमारा रात का डिनर। टैटू बनवाने के आने के बाद मैं चाय पी के थोड़े सो गई थी, अभी मैं उठ गई हूँ, और शाम के बच गए हैं साथ में, सोच रही हूँ चीकू को भी उठा दूँ थोड़ी देर, वो नीचे खेल आएगा, क्योंकि अगर अभी नहीं उठाऊंगी तो रात में लेट सोएगा और सुबह स्कूल भी जाना है, तो मैं उसे उठा देती हूँ। चीकू, चीकू बेटी, जाओ नीचे खेल के आ जाओ, जाना नीचे खेलने, बच्चे खेल रहे, नीचे जाना है तो जाओ। जिसमें गोलू, हाँ पायल, इसका होमवर्क करा दे फटाफट, देख कैसे बैठा है बंदर। देख पायल, मैंने इसका फिल कर दिया, ठीक है, सही किया। फोन को पैर लगा रहे, विद्या होती है ये, तो विद्या थोड़ी होती है, क्यों इसमें विद्या नहीं करते, गजट 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 होती है, हम पढ़ते नहीं है, गैजेट होता है, है फोटो चिपकानी है इधर, फोटो भी चिपकानी है क्या इधर, फोटो किसकी, चीकू की, मेरी, चुराई तू है प्लीज। तो चीकू अभी मेरे को सुला रहा है अपनी गोदी में ना, चीकू, चीकू आप मेरे लिए कौन सी जोड़ी गाओगे बेटा, कोई अच्छी सी पोएम गा दो। चीकू हाँ, ये कोई सुलाना होता है, ये थप्पड़ मारना होता है मम्मा को, गंदे बच्चे चीकू, नहीं चलो अच्छा सा कार्टून चलाओ, मम्मा भी दिखेगी आप भी। तो अभी चीकू खा रहा है खाना, और उसके फेवरेट खाना बना है आलू रोटी और दही। चीकू आज मैंने सुना, आप हमारी सारी बात मानोगे? पायल तूने पानी बोला, देख पानी ले आया, मैं अपने ले ले आया। आज हमारी कोई बात नहीं मानोगे, बताऊं क्या पापा को, आपने दोपहर को कितनी शरारती की, बताऊं? सुनो सुनो, अभी पता है पायल, थोड़ी देर पहले ना मैंने बोला, मैंने कहा चीकू मुझे ना बड़ी हंसी आ रही है, कह रहा मम्मी वही वाली बात से जो दोपहर को मैंने किया, मैंने कहा हाँ चीकू वही वाली बात से, तो कह रहा मम्मा गॉड प्रॉमिस और पिंकी प्रॉमिस करो ना, किसी को नहीं बताओगे, मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगी, बाकी बच्चे दो शतरंग, इसको तो देख ले गोल, उसके लिए रोटी लाते, ठीक है पायल। चीकू के पापा हैं, वो आ गए हैं, और इन्होंने अभी अभी जस्ट थोड़ा सा लस्सी वस्सी पी है। कैसा रहा आपका सफर? बस कुछ नहीं, दरगाह गया था मत्था वत्था टेका, और बस अभी बात कर रहा था मैं रजनीश से, मैं अगले महीने वैष्णो देवी का प्लान बनाने की सोच रही थी। हाँ ठीक है चलेंगे, बहुत टाइम से नहीं गई। चीकू की छुट्टियां भी है ना, कब से है चीकू की छुट्टियां? है समर ब्रेक से 28 मई से 7 जुलाई तक, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई, ठीक है ठीक है, तब बनाएंगे गुड्डू छुट्टियों में, ठीक है ना। और गोलू चुने चीकू के लिए वो टूथपिक, टूथपिक मैं बता अभी क्या हुआ था, मैं दुकान पे भैया को फोन किया, मैंने कहा हेलो भैया टूथपिक है, कह रहे नहीं है, मैंने कहा भैया वो दांत साफ करने, कह रहे टूथपिक, मैं भूल ही गई थी टूथपिक बोलते हैं उसको, मैं टूथपिक कह रही थी, एक वो पहले भी ऐसे हुआ था ना। चीकू का कुर्ता पजामा तो प्रेस है, बड़े यार इसके साथ जूती नहीं है, उसके पास लड़के के पास जूते हैं, हाँ जूते पहना दूंगी, अच्छे नहीं लगते कुर्ते पजामा के साथ जूते, सुना जूती अच्छी लगेगी ना ज्यादा, खास हुआ ना हो रहे, मैं काम करती हूँ भैया को भेजती हूँ फोन करके, हाँ बोल मार्केट खुली होगी भैया को इसका साइज तो पता है, ठीक है मैं मंगवा देती हूँ यार, इतनी इजीली मिल जाता है
बच्चों का भैया। अच्छा वैसी भी नहीं है, वो जो कोल्हापुरी होती है वो भी नहीं है। हाँ कोल्हापुरी चप्पल दे दो, देख लो अगर वो दोनों चीज नहीं मिल रही तो। चीकू के पापा आ गए, उनका जो बैग है वो अनपैक कर देते हैं, जो कपड़े ड्रेकलिंग के लिए जाने हैं वो निकाल देती हूँ। बोलू तब तक उनको दे रही है विटामिन की गोली। तो बोलो यहाँ कर रही है सबके लिए दूध गर्म। नहीं नहीं अभी चीकू के पापा के लिए कर रही हूँ, क्योंकि चीकू अभी आया ना, मुझे पता नहीं था, फिर दूध मैंने गर्म रख दिया था, तो पहले इनको दे रही हूँ, फिर तेरा मेरा चीकू को इकट्ठे। चीकू सो जाओ फटाफट, चीकू फटाफट सो जाओ। ब्लॉक की बात नहीं, हाँ ब्लॉक की बात नहीं, कोई बात नहीं, सो जाओ। चिपकन को रखो, चिपकन को रखो फटाफट, सो, टाइम हो गया, सुबह स्कूल जाना है, 7 बजे उठना है। अभी लिया है, अभी लेना, अभी सोना है। हमने फर्स्ट टाइम बोला था ना कार्टून देखने के लिए, टीवी बंद हो गया, बस एक बार ही देखा था मैंने। अभी फर्स्ट मिनट कर लूं क्या? तो पहले कितने मिनट हुआ था? पहले 2 मिनट। तो अभी 3 मिनट नहीं, 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 3 मिनट नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट के 5 मिनट। तो बाय बाय गाइस, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय चीकू की तरफ से भी, नेक्स्ट ब्लॉग में खाओ पियो, तो चीकू की तरफ से खाओ पियो ऐश करो, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।